तो दोस्तों, आज के एक शॉर्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के लिए चल रहा हूँ अपना फील्ड, ठीक है, जो कि लातेहार के गारो रेंज में पड़ता है। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। ये जो रास्ता है, दुर्गम रास्ते होते हैं फॉरेस्ट में, यहाँ पक्के रास्ते नहीं बनाए जाते हैं। इसी रास्ते से होकर फील्ड को मैं जाया करता हूँ। और ये एक आर एफ रिजर्व फॉरेस्ट है, आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। इसे घनी वादियाँ हैं, घने जंगल हैं, यही असली जंगल कहलाती है। इसी में जानवरों को रहने के लिए, रिसाइड के लिए सब कुछ मिलता है। सो आप देख सकते हैं, बहुत ही हाथी भी पाए जाते हैं यहाँ पर। कभी दिखाई नहीं देगा, बट ये जो बांस है, ये हाथियों का आहार है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और प्रकृति की जो मनोरम सुंदरता है उसको निहारते हुए, ये सीम अनुभूति के आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कितने ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं, इतने घने जंगल हैं। शायद ही आपने इतने ऊँचे पेड़ को इतने करीबी से देखा होगा। देख सकते हैं इतने ऊँचे पेड़ हैं, ऐसी हरियाली है, ये है अमेजिंग। तो आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है और कैसा टेरेन है, क्या मनमोहक मनभावन है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो और शेयर जरूर करें। ये देखिए, हम लोग जंगल को क्रॉस कर रहे हैं। आरक्षित वन है, यहाँ की सारे एक्टिविटीज बैंड रहती हैं, कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी डिस्टर्बेंस। आप देख सकते हैं चलिए अब हम पहुंच चुके हैं इन रास्तों से होकर। बहुत ही खूबसूरत ये साल के वृक्ष हैं, साल ट्री बोलते हैं हम, सखुआ का पेड़। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हैं, घने चारों तरफ। और अब हम ये पहुंच चुके हैं काफी ऊंचाई पर पहले से। तो ये जो हम निकलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। बरसात का मौसम है, रेनी सीजन में जो होता है बरसात में, प्रकृति की हरियाली अपने चरमोत्कर्ष पे होती है। और देखिए अब हम पहुंच चुके हैं ग्रासलैंड, बोलते हैं घास का मैदान, चारागाह। तो जंगली जानवरों का चारागाह होता है, हम लोग वहीं पहुंच चुके हैं। ये जो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है हम लोगों को, यही ग्रासलैंड है। देखिए दोस्तों कैसा ग्रासलैंड है ये। चारों तरफ हरियाली है, रिकॉर्ड आपका नाम बताएंगे। देखिए ये हमारे ट्रैकर हैं, जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं हमारे साथ, मेरे साथ सहकर्मी हैं अमलेश जी, ये बहुत ही मेहनत करते हैं और जंगल का देख रेख करते हैं हमारे साथ। तो ये हम आ चुके हैं ग्रासलैंड में। देखिए कितनी खूबसूरत घनी वादियाँ हैं, कितने पक्षियों की चहचहाट है को भी महसूस कर सकते हैं, कोयल की आवाज़ को सुने आप। कोयल है ना, कोयल जैसा रहता है, कोयल जैसा ही है, उसी का प्रजाति है। क्या अमेजिंग है, बहुत ही शांत वातावरण। ऐसे ही हम बोलते हैं प्रकृति के गोद में आकर रहना, इन द लैप ऑफ नेचर। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आया हो तो दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।